क्या कर रहे हैं? सिड्डी बना रहे पापा जी? अभी बच्चे नाश्ता कर रहे हैं और अभी जो गाने वाले था ना वो जो और राय खड़ा की बहुत ज्यादा फर रही। राय खड़ा की तो निशा की शादी की तारीख फिक्स हो चुकी है। हेलो, राम राम जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, और सब कैसे हो? आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका सोनी धर्मेंद्र ब्लॉग टीचर में। दोस्तों, रात भर बारिश हुई है जम के, जैसे चौमासे में बारिश होती है ना बरसात के मौसम में, बस वैसे ही बारिश हुई है। थोड़ी देर रुकी, दो चार मिनट के लिए, फिर से होने लगी। पूरी रात बारिश हुई है ऐसे ही। देखो चारों तरफ पानी भर गया है, यहाँ से वहाँ तक पूरी गली में आपको पानी दिख रहा होगा। हमारा काम यहाँ पे रुका हुआ है अभी छज्जे पे, वो नीचे वाला जो छज्जा है दोनों का, राय कुमार के ऊपर का, उसको हम ऊपर करवाएंगे एक ही लेवल में, तो अच्छा लगेगा देखने में। तो अभी देखते हैं आज आते हैं मिस्त्री लेबर के नहीं आते हैं आज, क्योंकि रात में बारिश हुई है, कहीं आलस करके ना रह जाए कि आज भी बारिश होगी। और ये सेटरिंग रहेगी जब तक, थोड़ा निकलने के लिए आने जाने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम तो रहेगी। मौसम वैसे बढ़िया है, सर्दी वगैरह ज़्यादा नहीं है, तो अभी पहले स्नान वगैरह करते हैं जब तक मिस्त्री लेबर आ जाएंगे। ओ सोनी कैसे देख रही है ये देखो वो बैठी है, और चलिए संभल के चलना दोस्तों, कहीं रपट नहीं जाना मेरे साथ में। आप भी पूरा चिकना हो रहा है मिट्टी, आराम से झोपड़ी के अंदर, हमारी झोपड़ी के अंदर तो पानी रुक नहीं रहा है, अभी पानी आ रहा है। सोनी ने सुबह भी पोंछा लगा दिया, लेकिन उसके ऊपर जो फर्श पड़ा है ना, तो उसमें से निचुर के आ रहा होगा, तो इसीलिए पानी आ रहा है बार बार ज़्यादा। खाना पीना बनाने के लिए काफ़ी दिक्कत हो रही है, कुकिंग की वीडियो भी नहीं बन पाई हमारी, क्योंकि किचन के अंदर काफ़ी पानी भर गया। अंजू की नींद खुल गई, राम राम दोस्तों। और ये देखो पूरी कितनी हमारी झोंपड़ी में पानी पानी हो गया था। इधर देखो आपको दिखाऊं, ये फर्श है ना, इसके ऊपर फर्श कपड़े का है, तो ये पूरा भीग गया। अब ये निचरेगा धीरे धीरे, सूखेगा नहीं जब तक ऐसे ही आता ही रहेगा, इसकी वजह से और सूख नहीं पा रही है। अभी हमारी कुकिंग की वीडियो बनना स्टार्ट हो गई, और संभव तो हम वही करते हैं कि हमारी वीडियो बन जाए हालात कैसे भी हो। दोस्तों, जैसा मौसम है वैसी ही सोनी ने आज रेसिपी बनाई है, यानी जैसा बारिश हो रही है ना, तो बारिश में क्या चाहिए आपको, एकदम खस्ता करारे करारे पापड़ पपड़ी या समोसे, नमकीनी कुछ आइटम, और चाय या बेसन के मुंगड़े चाय, तो बस ऐसा ही है, और बहुत ही बेहतरीन नाश्ता है। और ये देखिए, ये बना के तैयार कर दिया है, अभी ये रखी है, इनकी वीडियो मिल जाएगी आपको सोनी ब्लीज लाइफ यूट्यूब चैनल पर, ज़रूर देख लेना दोस्तों। बस अभी हमारा चाय नाश्ता पानी बन गया, बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो गए, और अम्मा बाबा के लिए अभी नाश्ता पानी पहुँचाते हैं। क्या कर रहे हैं? सिड्डी बना रहे पापा जी? चलो तो पहले नाश्ता पानी कर लो। बारिश हुई है तो चारों तरफ पानी भर गया है, खूब जम के बारिश हुई सारी रात। ये देखो पापा जी ने इधर लॉक लगा दिया, इसके अंदर सरिया डल जाता है। ये खुल गया हमारा गेट। अम्मा क्या कर रही है? नहा रही है। ओह अम्मा तो नहा रही है हमारी, देखो ठंडी में। नाश्ता कर लो, ले मम्मी तू पहले नहीं जा चाहे। अभी अर्चना का भी खाना बन गया, और ये वाला झीना है गलत है, इसको चेंज करवाएंगे हम थोड़ा आज। अभी बच्चे नाश्ता कर रहे हैं, और ये देखिए दोस्तों आज तो क्या क्या बना दिया है सोनी ने, ये देखिए वाह, आज तो पापड़ी भी बनी नाश्ता में, ये रखी है, और कचौड़ियाँ बन रही हैं, कचौड़ियाँ। तो अभी बच्चों ने खाना बच्चों के लिए बनाई स्पेशल है ना, पराठे बनाए, कचौड़ी बनाई बच्चों के लिए, तो बच्चों ने कचौड़ी खा ली। अभी इनको स्कूल छोड़ के आते हैं, अभी बच्चों को हम छोड़ के आते हैं। अंजू ने टिप्पल लगा लिया, खुशी आराम, चलो चलिए। नमस्ते जी, आशीर्वाद ले लिया मम्मी का, पापा का, अम्मा बाबा का, सबका आशीर्वाद ले लेना जब तक मैं आ रहा हूँ। हैं बच्चों को हमने स्कूल छोड़ दिया, बस अब हम चलते हैं राशन लेने के लिए, आज हमको राशन मिल रहा है, हमने राशन ले लिया, और अब चलते घर पे। ये काली वाली पन्नी में तेरे पसंद की चीज़ लाया हूँ, आगे समझ में पहचान पहचान का चीज़, हाँ अमरूद ही लाया हूँ। चलिए दोस्तों, आपको गांव की एक जो पुरानी पहचान है ना, एक वो सारंगी होती है, वो बजाने की जो कला होती है वो अलग ही होती है, तो आपको सुनवाते हैं।
यहाँ पे एक आए हैं गाने बजाने वाले भैया, इसे सुनेंगे सारंगी बजाने की कला। अरे अविद्या भागे द्या भागे धतूरा, आग दाढ़ी बागे दाढ़ी भांगे दतुरा, अरुणा दे कारी पुसे कारिये द्या बागे द्या बहांगे धतूरा, रे भैया अरुण रो ना दे कारे री पुसे कारी दूरी का हॉस्पिटल के जा रहे जाएं। अभी जो गाने वाले था ना, जो अभी गा रहा था वो रूप बास की तरफ का है, तो बस ऐसे ही जिसके दरवाजे पे गाता है वहाँ से कुछ ना कुछ मिलता है, तो बस ऐसे ही अपना गुजारा कर रहा है बेचारा। खुद तो नाई ना, खुद तो सफाई में लगी हो झोपड़ी की में है। दोस्तों अभी हम चल रहे हैं सुदनामा लेके, और किसका सुदनामा लेके जा रहे हैं वो आपको एक काम तो बताएंगे शाम के टाइम। बारिश की वजह से रोडों की हालत तो देख सकते हो कैसी हो रही है इस समय। अभी हम धौलपुर में हैं और ये जगह को बोलते हैं काली माई मंदिर है सामने, वो नीम का पेड़ दिख रहा है वहाँ पे, तो काली माई वाला रोड बोलते हैं। ये धौलपुर का काली माई मंदिर, जय माता दी। अभी हमने मिठाई वगैरह ली है और अभी आ गए हम जगन टॉकीज पे, और देखो इसमें कौन सी मूवी लगी है, भोजपुरी मूवी लगी है इस समय। ये हमारे साडू भाई, देखो भोजपुरी मूवी लगी है इस समय टॉकीज में। दोस्तों अभी हम निशा की शादी की जो तारीखें फिक्स हो चुकी है, यानी सुदनामा लेकर आए हैं हम। इसको बोलते हैं सफेद चिट्ठी बोलते हैं, और इसको सुदकरा भी बोलती है हमारे यहाँ पे, तो उसी को हम लेकर आए हैं। और ये शादी से पहले एक दो महीने तारीख बता दी जाती है कि इतनी तारीख को शादी है, तो उसके हिसाब से लड़के वाले और लड़की वाले दोनों अपने शादी की तैयारी कर सकें। अभी आप पूछोगे कि निशा कौन है। निशा है सोनी के भाई की लड़की, जो हमारे यहाँ पे रही थी और यहाँ पे सगाई हुई थी पार्क में। उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और राय खड़ाई बहुत ज़्यादा फर रही, राय खड़ाई तो 77-78 और जिस घर में भी शादी आती है तो घर में नया काम कुछ ना कुछ करवाते हैं, तो यहाँ पे अभी ये भी काम करवा रहे हैं और उधर भी काम चल रहा है दोनों तरफ, और हम भी अपने घर का काम करवा रहे हैं। लो जी अभी खाना भी बन गया, और खाने में बड़े पकवान भोग बने हैं, तो बस अभी हम खाना पीना खा के निकल आए। और अभी हम भाई साहब से बोल रहे हैं, मैं नहीं घर पे चलिए रुकेंगे, तो नहीं बोल रहे हैं कि खेतों की रखवाली है इसलिए मेरे को घर पे जाना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो पेट्रोल ही डलवानी है बोल रहे थे, बाइक में पेट्रोल ख़त्म होने वाली है, तो चलते हैं पेट्रोल पम्प पकड़ेंगे सबसे पहले। और ये हमारे धौलपुर की प्यारी प्यारी गलियाँ, अभी आगे हम पेट्रोल पम्प पर यहाँ से भर भाई पेट्रोल, और हमारे यहाँ पे चल रही है इस समय 108 रुपये लीटर। अभी आ गए हम घर पे, एक ब्रेड की पैकेट लाए, सोनी ने बोला कि ब्रेड पैकेट लेके आना, पता नहीं कुछ बनाएगी शायद। और जो सोनी के जीजा जी आए थे हमारे साडू भाई, वो गए घर पे, बोल रहे थे कि अभी खेती है ना गेहूं की फसल, तो गैया नुकसान कर देती हैं इसीलिए खेत पर जाना पड़ेगा, तो इसलिए अभी घर पर पहुँचना ही पहुँचना है, इसीलिए फिर हमने घर पर ज़्यादा हमने बोला रुकने के लिए, लेकिन रुके नहीं, फिर मैं नहीं जा रहे तो जाने दो, किसी का नुकसान भी नहीं होना चाहिए। हैं पानी भरे हुए, अरे मम्मी पानी भरने के लिए आई हैं, अभी आते ही पानी भरने की ड्यूटी, मम्मी कहाँ उठा के ले जाएंगी, बारिश वैसे हो गई है रफट जाएंगे, वैसे भी लेके गई हैं कल था को। अभी सोनी कुछ बना रही है, लड्डू वगैरह से बना रही है, मेरे को काम पकड़ा दिया है ये गोला खुरने का, कि आप गोला खुर दीजिए, तो मैं तो फाइनल अभी इसको खुर के तैयार करता हूँ, के बाद में बात करेंगे हम। दोस्तों तो आज हम गए थे, हमने बताया आपको निशा की शादी की डेट फिक्स हो गई है, आप सभी के काफ़ी सारे कमेंट भी आ रहे थे कि भैया जी निशा की शादी कब होगी, निशा की शादी कब आएगी, करीब दो महीने से कमेंट आ रहे थे लगातार। हाँ। तो अभी हम वहीं पे गए थे, सुदनामा देकर आए, यानी सुदनामा
जो शादी की तारीख होती है लड़के वालों के घर पे जाते हैं, फिर उनको देते हैं कि ये वाली तारीख को शादी है, तो उस हिसाब से वो लोग अपना बैंड वगैरह अपनी तैयारी करते हैं। तो अभी शादी के 2 महीने हैं करीब, अप्रैल में है शादी 21 तारीख की, तो बस तारीख आ गई आपके सामने है ना निशा की शादी की। तो बस अब इसी की इसकी भी तैयारी अभी से मान के चलो तैयारी होने लग जाएगी। 21 तारीख की है? हाँ 21 अप्रैल की है, तो 21 तारीख की शादी आ रही है, चलेंगे वहीं धूम मस्ती करेंगे खूब सोनी के मायके, और जिन्होंने सोनी का मायका नहीं देखा है तो उनको भी देखने को मिलेगा, काफ़ी सारी मस्ती होगी शादी में, सबसे मुलाकात होगी, बहुत अच्छा लगेगा। तो बस अब 21 अप्रैल का इंतज़ार है, और बाकी की तो अभी शादी इस महीने में बहुत सारी शादी हैं, तो जहाँ पे देखते हैं हम कहाँ कहाँ पे पहुँचते हैं, अभी घर का काम चल रहा है, तो इसीलिए क्योंकि लेंटर डल जाएगा ना उसके बाद में कुछ शायद राहत मिलेगी, लेकिन ये है कि फिर भी ज़्यादा जगह पर जा नहीं पाएंगे, घर पे रहना पड़ेगा किसी ना किसी को क्योंकि रखवाली के लिए, इसलिए फिर भी कवर करेंगे शादियों को, आप सभी को एंजॉय करवाएंगे, नए नए ब्लॉग लेकर आएंगे मस्ती भरे, जैसे कि आप लोग बोर ना हो, आप सभी को भी अच्छा लगे, हमको भी अच्छा लगे। तो बस अपना प्यार ऐसे ही देते रहना, सपोर्ट करते रहना, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करते रहना, जिससे आप शेयर करते तो हमको बहुत सपोर्ट मिलता है। तो आज का आप सभी को ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। हाँ जब हम शोधनामा लेके गए थे बहुत बढ़िया खातर की उन्होंने, और बहुत आनंद आया, बहुत सारी बातें हुई। तो बस आप सब बताइए आप सभी को आज का हमारा ब्लॉग वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो में, जब तक के लिए राम राम दुआ सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम।